ट्विटर ने अब राजनीतिक विज्ञापन न लेने का फैसला किया है। अगले महीने से ट्विटर इस पर अमल शुरू कर देगा। फिलहाल इसका असर अमेरिकी राजनीति में देखने को मिलेगा। आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां मौजूद हैं न्यूज प्लेटफॉर्म डॉट इन के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन और हमारी सहयोगी रितिका। जी पंकज, अगले महीने यानी 22 नवंबर से अब हमें ट्विटर पर कोई पॉलिटिकल ऐड, कोई राजनीतिक विज्ञापन नज़र नहीं आने वाले। ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि राजनीतिक संदेशों की जो पहुंच होती है उसे कमाया जाना चाहिए, ना कि उसे खरीदा जाना चाहिए। तो ट्विटर के इस फैसले का असर क्या होगा, ये हम जानते हैं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, ट्विटर ने ये जो पॉलिटिकल ऐड बैन करने का फैसला किया है, इसका असर क्या होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोगों के जीवन में जो सोशल मीडिया की जो जगह बन गई है वो तो बहुत साफ है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके दायरे में ना हो, खासकर मतदाता, जो कि वो जो किसी भी देश के बारे में राजनीतिक फैसला करते हैं उनके बारे में यह धारणा बनती चली गई है कि वो उनके मत को, उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में ये मीडियम जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और ख़ासकर 2016 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहाँ जो चुनाव नतीजा आया डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, तो उसके बाद इस पर बहुत काम हुआ, बहुत स्टडीज हुई हैं और एक निष्कर्ष पर लोग पहुँचे हैं। बल्कि इस पर जो अमेरिका की संसद है वहाँ भी सुनवाई हो चुकी है कि उसमें कुछ खास ऐसे ऐड दिए गए, ऐसे विज्ञापन दिए गए जो जिनका योगदान रहा जनमत को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ढालने में। बाद में यह भी धीरे धीरे पता चला कि इनमें बहुत सारे जो विज्ञापन थे इनके सोर्स जो थे वो रूस में थे, जो वहाँ का जो पुतिन प्रशासन है और या उनसे जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने उसके लिए पैसा दिया और एक टारगेटेड ऐड दिया गया। देखिए, सोशल मीडिया में खास बात क्या है कि इनके एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि ये खास रुझान, खास पसंद, खास तरह की जिनकी रुचियां हों, दिलचस्पियां हों, उनको टारगेट करके ऐड वहां तक पहुंचाया जा सकता है और वो पहुंचाया भी जाता है। ये हम लोगों का रोज़मर्रा का अनुभव है। तो ऐसे मतदाता जिनका मत एक खास तरफ झुकाए जाने की संभावना ज़्यादा हो, उन्हें टारगेट करके विज्ञापन दिए गए और उसका असर माना गया कि उसकी वजह से जो वहाँ का जो चुनाव परिणाम उस समय आया उसको तय करने में उसकी भूमिका रही। तब से फेसबुक पर और ट्विटर पर और वैसे तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर राजनीतिक विज्ञापनों का मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है। उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। जो विकसित देश हैं उनकी पार्लियामेंट में उसकी सुनवाई हुई है। जो मार्क जकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के चीफ हैं, और खुद डॉर्सी, इन्हें उन जगहों पे बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जैक डॉर्सी को अब ये बात समझ में आई है कि जो राजनीतिक स्थान है मीडिया में उस स्थान को कमाया जाना चाहिए, यानी आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि मीडिया खुद आपको वो जगह दे, ना कि आप उसे पैसा देकर उससे आप परचेज कर लें, खरीद लें। यह बहुत अच्छी बात है और ये सिद्धांत अगर लागू होता है तो ये आने वाले दिनों में ये फेसबुक और उसके भी आगे चलकर जो मेन स्ट्रीम के जो माध्यम हैं वहाँ भी ये मांग उठ सकती है कि वहाँ भी जो लोग, जो पार्टियाँ हैं, जो नेता हैं, उनके काम, उनके विचार, उनकी जो उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो एजेंडा है, उसके आधार पर एडिटोरियल जो समझ होती है, संपादकीय विवेक के आधार पर जगह दिया जाना चाहिए, न कि इसलिए उन्हें जगह मिलनी चाहिए कि वो पैसे से वो जगह को खरीद लें। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी दूरगामी महत्व की बात साबित होगी। जहाँ तक तात्कालिक प्रभाव, तो अब ब्रिटेन में दिसंबर में चुनाव है, लेकिन ये 22 नवंबर को अमल में आएगा, शायद ना देखने को मिले। लेकिन अगले साल जो अमेरिका का चुनाव है उस पर सबकी निगाह रहेगी कि इस जो ये फैसला ट्विटर ने लिया है उसका उस पर क्या असर होता है। जी बिल्कुल, आपने बात की फेसबुक की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने फेसबुक को एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली प्रॉफिट मेकिंग मशीन कहा था, जिस पर जुकरबर्ग ने कहा था, जो फेसबुक के सीईओ हैं, कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक वो लोगों को फ्री स्पीच मुहैया करवाता है। तो सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्विटर ने जो फैसला किया है तो क्या हम आने वाले वक्त में फेसबुक से भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा कोई फैसला करेगा? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा जिक्र किया है एलिजाबेथ वॉरेन का। उनका जो प्रकरण ये था कि एलिजाबेथ वॉरेन ने एक झूठी सूचनाओं से वाला इश्तिहार फेसबुक को दिलवाया और फेसबुक ने उसे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दे दी।
तो उसके बाद तुरंत उन्होंने उसे टैग करके उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका ये सारा जो दावा है कि आप तथ्यों की जांच परख करने के बाद आप विज्ञापन लेते हैं, वो इस विज्ञापन के साथ झूठा साबित होता है। ये जो बात है, फेसबुक पहले से ही दबाव में है, फेसबुक अमेरिका में काफ़ी दबाव में है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस में जकरबर्ग गए थे और उनकी काफ़ी वहाँ पर उनसे सवाल जवाब किया गया था। उसके पहले भी जब एक केस हुआ था जिसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कहा गया था, जिसमें कि फेसबुक ने जो उसने अपने यूजर्स के डेटा इकट्ठा किए थे, वो डेटा उसने एक कंपनी को व्यापारिक लाभ के लिए बेच दिया था, जिसे ब्रिच ऑफ ट्रस्ट माना गया था, विश्वासघात माना गया था। उस मामले में भी जकरबर्ग की अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में पेशी हुई थी। तो फेसबुक पहले से ही दबाव में है, ट्विटर पे भी यह दबाव बढ़ रहा था। ट्विटर ने इसके पहले कि उसके खिलाफ एक्शन होता, उसने अपनी तरफ से ये पहल कर दी है। और जाहिर है, न सिर्फ फेसबुक बल्कि सोशल मीडिया के और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, अब उन पर दबाव बढ़ेगा और मुमकिन है कि उनके लिए, अगर वो खुद ऐसी पहल करें या अगर वो ऐसी पहल नहीं करते हैं, तो विभिन्न देशों की जो संसद हैं वो इसके बारे में कोई नियम या कानून बनाएं। जी बिल्कुल, यानी ट्विटर पर 22 नवंबर से यानी अगले महीने से हम राजनीतिक प्रोपेगेंडा में एक कमी देख सकते हैं, ट्विटर के इस फैसले का एक सकारात्मक पहलू देख सकते हैं। पंकज जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम ट्विटर की ओर से। और जैसा कि नॉम चॉम्स्की दुनिया भर के मशहूर भाषा शास्त्रियों और दार्शनिकों में शीर्ष माने जाते हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की बात की थी, किसी चीज़ के पक्ष में सहमति बनाने का जो एक फर्जी अभियान होता है, जो असली मकसद होता है विज्ञापनों का, उस पर रोक लगाने की कोशिश वो करेगा।